टाटा ने रचा इतिहास। दुनिया के टॉप 100 ब्रांड में शामिल होने वाली इकलौती कंपनी, नमक से सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी को लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने सूची में 86वें नंबर पर रखा है। टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन 37% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर हो गई है। इसके साथ ही समूह दुनिया के टॉप 100 ब्रांड में शामिल हो गया। एक ताज़ा रिपोर्ट में यह बात कही गई है, कंपनी 2018 में इस सूची में 104 नंबर पर थी। ग्लोबल टॉप 100 में यह एकमात्र भारतीय कंपनी है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में ब्रांड फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड हेक की ओर से कहा गया है, टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू में 2019 में प्रभावशाली वृद्धि हुई है और दुनिया में 100 सबसे मूल्यवान ब्रांड सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी है। टाटा संस के चेयरमैन इन चंद्रशेखरन ने कहा, इस मान्यता से हमें कारोबार को दुनिया में सामाजिक जिम्मेदारी के साथ बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। टाटा की वेबसाइट के मुताबिक सन 1868 में एक ट्रेडिंग फर्म से शुरू हुए टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल, पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी दी। टाटा ग्रुप ने ही देश की पहली एविएशन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो बाद में एयर इंडिया हो गई। आजादी से पहले ही देश को टाटा मोटर्स के ट्रक मिलने लगे थे। रतन टाटा ने पहुंचाया नए मुकाम पर। 1891 में रतन टाटा इस ग्रुप के मुखिया बने। तब बुड्ढारीकरण का दौर शुरू हो रहा था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा समूह ने टेटलिटी का अधिग्रहण किया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी AIG के साथ उन्होंने बॉस्टन में ज्वाइंट वेंचर के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी शुरू की। उन्होंने यूरोप की कोरा स्टील और JLR का भी अधिग्रहण किया। रतन टाटा ने किए बड़े बदलाव। ग्रुप का हेड बनने के बाद रतन टाटा ने मैनेजमेंट के पुराने रूल्स में बड़े बदलाव किए। उन्होंने कहा कि ग्रुप को एक दिशा की जरूरत है और ग्रुप व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, इंडिविजुअल आइलैंड्स को जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने सेंट्रल फंक्शनिंग की शुरुआत की। रतन टाटा ने सबसे पहले ग्रुप कंपनियों में टाटा सन्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर कम से कम 26% करने पर जोर दिया। उनके सामने दूसरी जिम्मेदारी अपने भारी भरकम ग्रुप में जोश भरने और एक दिशा देने की थी। इसलिए उन्होंने ऐसे बिजनेस से निकलने का फैसला किया जिनका बाकी ग्रुप के साथ तालमेल नहीं था।